वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि किसी की मेहनत, सालों की मेहनत, तकरीबन 3 साल की मेहनत, जो बंदा काम पे जाके वीडियोस बनाया करता था, जिसके 1,85,000 सब्सक्राइबर थे, जिन्हें कई सारा स्ट्रगल किया, पहले काम पे गया, अभी शाम में आने के बाद वीडियोस बनाया, जिस चैनल का नाम लाइफस्टाइल न्यूज़ था, जिस पे कई सारे वीडियोस अपलोड करता था बंदा, जिस पे कई सारी न्यूज़ वगैरह, लाइफस्टाइल और ऐसे कई सारी सोशल मीडिया की जो न्यूज़ आती थी वो बंदा देता था काम पे आने के बाद, मतलब कंटिन्यू स्ट्रगल करता था, पहले काम पे 5 बजे तक रहा, उसके बाद वीडियो बनाता था। लेकिन ऐसे में आपको बता दूँ, यूट्यूब ने पल भर के अंदर 2 सेकंड के अंदर इनके चैनल को उड़ा दिया, इनकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तो आइए जानते हैं इनकी ज़बानी इनके चैनल के बारे में, इनके चैनल का नाम क्या था, किस तरह इनका चैनल उड़ा, और मतलब अभी इनके इनकी फीलिंग कैसी, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं आप सभी को आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले शारिक भाई, जो भी हमको देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि आपके चैनल का नाम क्या था और आपका जो चैनल उड़ा वो यूट्यूब ने आपको क्या बोल के उड़ाया, आपके चैनल को किस तरह मतलब ख़त्म कर दिया पल भर के अंदर, ज़रा आप व्यूवर्स को बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेरे YouTube चैनल को 3 साल हो गए हैं। अच्छा शारिक भाई, 3 साल तो हो गए, लेकिन आपने वीडियोस कैसा बनाया, मतलब आप कब बनाते थे, कौन से टाइमिंग में बताते थे, जरा सबको बताइए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं काम पे जाता था और उसके बाद वीडियोस। अच्छा, काम पे कितने बजे तक जाते थे, मतलब कब से कब तक काम रहता था आपका, जो भी आप काम करते थे? तो मेरा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक मतलब। हाँ, और उसके बाद फिर वीडियोस कब बनाते थे? 6 बजे के बाद। 6 बजे से बात के लेकर तो फिर रात में कब तक के? रात में 10-11 बजे तक। अच्छा, मतलब काम पे जाने के बाद बंदा आता था, उसके बाद वीडियोस बनाता था, उसके बाद इतना बड़ा चैनल खड़ा किया था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है यार बंदे की। मतलब जरा सोचो आप, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, 1,85,000 सब्सक्राइब जमा करने के बाद पल भर में यूट्यूब ने मतलब उड़ा दी, और ऐसा सोचा भी नहीं कि बंदा क्या करता है क्या नहीं करता है, मतलब ये सारी चीज़ें यार, मतलब ये कितनी, मतलब चंद सेकंडों में सारी मेहनत बर्बाद हो गई बंदे की। बंदा मतलब खुद से यहाँ तक आया था, लेकिन YouTube ने चंद सेकंड के अंदर सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और शारिक भाई, आप कौन सी वीडियोस अपलोड करते थे, ज़रा जनता को बताइए। पहले लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के वीडियो अपलोड करता था, और साथ ही साथ कई न्यूज़ भी कवर करता था। तो ज़रा जो भी न्यूज़ वगैरह देते हैं, जो बायोग्राफी सारी चीज़ें करते, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अगर अपना चैनल बचाना चाहते तो प्लीज़ ऐसा कोई कंटेंट अपलोड ना करें जिस पर चाइल्ड या कोई बच्चे कंटेंट, क्योंकि यूट्यूब ज़रा से भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है बंदे के लिए। उन्होंने 1 सेकंड की भी बर्दाश्त नहीं की यूट्यूब ने, 1 सेकंड की। तो आपसे कुछ बोलना चाहेंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि आज आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा देंगे, शायद इनका चैनल वापस आ सकता है आपके सपोर्ट के बदौलत। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो बोलेंगे आपको करना है, एक बंदा समझ के नहीं, एक नॉर्मल एक इंसानियत समझ के आप इनके लिए थोड़ा बहुत कर दीजिए जो भी बोल रहे। तो क्योंकि यार इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बोला यार ऐसा हो गया, मैं भी खुद इमोशनल हो चुका हूँ इनकी कहानी सुन के, क्योंकि ये मेरे पास में रहते हैं, मतलब मेरे गांव में रहते हैं, मुझे पता है किस तरह स्ट्रगल किया, कहाँ तक के पहुँचे। क्योंकि नॉर्मल बंदा जब भी यूट्यूब स्टार्ट करता है तो उसे घर का सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, साथ ही साथ जहाँ वहाँ रहता है वो एरिया का भी सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना एक अपने में बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, इनका चैनल किस तरह वापस आता है, इनको थोड़ा बहुत कुछ पता चला तो ये ज़रा आप इनकी सुन लीजिए। तो मैंने दोस्तों ट्विटर पे यूट्यूब टीम से बात की है और यूट्यूब टीम को ट्वीट भी किया है, तो आप सभी दोस्तों बस मेरे खातिर उस ट्वीट को बताइए। देखिए अभी इतने डिप्रेशन में कि इनसे शायद बात भी सही से की नहीं जा रही, लेकिन मैं आपसे एक बता दें, इनका कहने का मतलब क्या, इन्होंने यूट्यूब टीम को एक ट्वीट किया, आपको सिर्फ रीट्वीट करना जाके ट्विटर पर जाके आपको रीट्वीट करना है, जो उनकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेंगी, वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ रीट्वीट करना है और आपको जो लिखना है वो लिख भी सकते हो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इनका चैनल बचाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो, प्लीज़ जाकर थोड़ा बहुत रीट्वीट कर दीजिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया बंदे का। तो शायद अगर हम आप मेरे कैमरे के सामने बैठे तो आपको नहीं पता इनकी फीलिंग क्या, लेकिन मुझे पता है इनकी फीलिंग क्या, इनके अंदर क्या, मतलब इनके इनके साथ क्या हो रहा है, मुझे सब पता है। क्योंकि मेरे चैनल के साथ कुछ ज़रा सा भी कुछ ऊंच नीच होता तो मैं खाना छोड़ देता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके इंसान आगे बढ़ता है यार, बिना उसके कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यूट्यूब पे, कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा हलवा समझते हैं लोग कि बस ये कैमरे के सामने आए वीडियो बनाया, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी रहती है ना वो एक लंबी कहानी रहती है, वो सब नहीं जान पाते। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि मैंने आप सभी को लिंक दिया हो ट्विटर की, आप वहाँ जाके प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, रीट्वीट करें, ताकि चैनल इनका थोड़ा बहुत यूट्यूब ऐसा समझे कि वापस कर दे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, आप सिर्फ उनको वहाँ पर सपोर्ट दिखाइए। और इसी के साथ इनका एक और चैनल है, चैनल का नाम क्या है, जाहिद व्लॉग्स।
जाहिद व्लॉग इनका एक चैनल है, आपको उसकी भी लिंक दिखेगी, वहाँ भी जाके इनको सपोर्ट करो यार। क्योंकि यार मुझे पता है, मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है चैनल खड़ा करना सबको पीछे छोड़ के एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की बात रहती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप सभी से छोटी मोटी रिक्वेस्ट है, कम से कम अपना भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, कुछ भी समझ के आज उनको सपोर्ट कर दो ट्विटर पर आके और उनके न्यूज़ चैनल पर आके। क्योंकि मैं किसी के बारे में इतना नहीं बोलता, आपसे बता कि मैं कभी ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन मैंने जब सुना इनका तो मुझे दर्द मालूम पड़ा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है ना, छोटी मोटी हरकतें, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, मैं खाना भी छोड़ देता हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इनके चैनल पर आकर प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि आज इनकी बारी हो सकता है कल आपकी बारी रही, और कहीं ना कहीं से आपसे कुदरत आपको सपोर्ट कर दे। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि आपके इनकी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई मुसीबत में फंस जाए, अगर आपने इनका सपोर्ट किया तो कहीं ना कहीं आपका भी अल्लाह ताला आपको, जिसे मानते हैं भगवान को, आपको सपोर्ट करे अचानक। तो प्लीज़ जाके इनको सपोर्ट करिए, बस इतना आपको कहना था। तो आप जाइए सपोर्ट करिए, ट्विटर पर आपको लिंक दिखेंगे, उनके चैनल की भी लिंक दिखेंगे, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।